हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमान। सुरों के बेताज बादशाह, जिनकी सुरीली आवाज ने सुनने वालों को कभी हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते। पद्मश्री से सम्मानित एक वर्सटाइल कलाकार, जिनकी आवाज ने बॉलीवुड में कई सुपरस्टार्स की नींव रखी और फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें मॉडर्न रफी के टाइटल से नवाजा गया। रॉक स्टाइल गाने हो या रोमांटिक गीत, देशभक्ति जज्बे से लबरेज गाने हो, भजन रहे हो या फिर गजल, इन्होंने संगीत की इन सभी विधाओं में जबरदस्त अंदाज में गाने गाए और सबको अपना कायल बना दिया। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खा। हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु समेत 15 से भी ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज से इस बेमिसाल गायक ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। भूखदार भी तोरे, आछु तो मिलू की, भूलते की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड और वर्सटाइल सिंगर और परफॉर्मर होने के बावजूद क्यों इन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया? क्या आप मानेंगे कि कभी इन्हें कॉन्सर्ट में धक्का देकर गिरा दिया गया, तो कभी इनका सिर मुड़वाने का फतवा जारी किया गया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार। और क्या आप यकीन करेंगे कि कभी इन्होंने पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश जाहिर की, तो कभी बाबरी मस्जिद और काली माता पर विवादित बयान देकर लोगों के गुस्से का शिकार हो गए? हर घड़ी बदल रही है रूप, तो आखिर क्या वजह रही कि इतने सक्सेसफुल और पॉपुलर होने के बावजूद इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को कोस कर अपनी भड़ास निकाली, और आखिर क्यों इतने कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो गए? चलिए जानते हैं। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आर्टिस्ट आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में हमेशा के लिए रच बस जाते हैं, और इन्हीं में से एक हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड गायक सोनू निगम। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरह। कहा जाता है कि सोनू निगम को संगीत अपने पिता से विरासत में मिला। रिपोर्ट्स की माने तो सोनू निगम के पिता अगम निगम 15 साल की उम्र में ही घर से भाग गए थे। कई रात रेलवे स्टेशन पर भी सोए और बाद में स्टेज शो में परफॉर्म करने लगे। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम जब 4 साल के हुए, तभी से ये भी अपने पिता के साथ स्टेज शो, शादियों और पार्टियों में गाने लगे। 19 साल की उम्र में सोनू सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई चले आए। कहा जाता है कि ये मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित थे, इसलिए स्टेज शो में ज्यादातर उनके ही गाने गाया करते थे। रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। मुंबई आने के बाद इन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायन की कला सीखी। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्म से की, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद सोनू को अगला ब्रेक पाने के लिए 5 साल तक काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में प्रसारित DD1 के टीवी सीरियल तलाश के एपिसोड नंबर 9 के गाने हम तो छैला बन गए से की। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सोनू ने बताया कि मुंबई आने के बाद ये इनका पहला रिकॉर्डेड गाना रहा, इसलिए आज भी ये इनके दिल के करीब है। हम तो छैला बन गए, बबुआ छैला बन गए, हम तो छैला। इसके बाद सोनू की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई, और इसी के बाद मानो सोनू निगम की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल साल 1992 में गुलशन कुमार ने सोनू को टी सीरीज के एल्बम रफी की यादें में काम करने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने रफी साहब के गानों को एक नए अंदाज में पेश किया। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के।
फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनू का पहला रिकॉर्डेड गाना 1993 में आई फिल्म मेरी जान का ओ आसमां वाले रहा, जिसे खूब पसंद किया गया। इसके बाद सोनू को फिल्मों में काम मिलने लगा और इन्होंने 1993 से 1994 के बीच करीब 10 फिल्मों में गीतों को आवाज दी। हालांकि 1995 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट रहे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार। इसके बाद सोनू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल सोनू ने पॉपुलर टीवी शो सारे गामा पा को भी होस्ट किया। साल 1995 से 2000 के बीच सोनू ने सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर गानों की झड़ी लगा दी। इनमें से कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो 1997 में आई फिल्म मोहब्बत से आईना बता कैसे बेहद लोकप्रिय हुआ। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर आके। फिल्म बॉर्डर से संदेशे आते हैं और हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दोनों गाने भी जबरदस्त हिट हुए। संदेशे आते हैं। वहीं शाहरुख खान पर फिल्माया फिल्म परदेश का गाना ये दिल तो युवा दिलों की धड़कन बन गया। ये दिल दीवाना। फिल्म हीरो नंबर वन का गाना यूपी वाला ठुमका ने यूपी वालों को इनका दीवाना बना दिया। यूपी वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। 1998 में आई फिल्म दिल से का गीत सतरंगी रे और फिल्म दूल्हे राजा से अखियों से गोली मारे भी जबरदस्त हिट साबित हुए। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। 1999 में आई फिल्म संघर्ष के गीत मुझे रात दिन ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुझे रात दिन बस मुझे चाहते। और इस तरह देखते ही देखते सोनू निगम सबके चहेते गायक बन गए। थैंक यू ऑल द पीपल। ये एक्चुअली नॉर्मली हम म्यूजिक अवार्ड्स में होते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा लोग मिलते हैं जो हमको जानते हैं। इसी साल रिलीज हुआ एल्बम दीवाना बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एल्बम में से एक रहा। खास करके इसका गाना दीवाना तेरा सुपरहिट साबित हुआ। इसके अलावा अब मुझे रात दिन और इस कदर ये दोनों गाने भी सबकी जुबान पर चढ़ गए। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल। 2000 के दशक में सोनू सूरज की तरह चमके और इनके गाए ज्यादातर गाने सुपर हिट होते गए। इस दौरान इनके ब्लॉकबस्टर गानों की बात करें तो फिल्म कभी खुशी कभी गम से यू आर माई सोनिया हिट रहा, तो वहीं सूरज हुआ मध्यम की लोकप्रियता भी चरम पर रही, जिस गाने से आज भी इनकी और शाहरुख खान की पहचान जुड़ी हुई है। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमान। साथ ही फिल्म रिफ्यूजी से पंछी नदिया पवन के झोंके ने वो मुकाम हासिल किया कि इसे आज भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बजाया जाता है। पंछी नदिया पवन के झोंके। वहीं फिल्म दिल चाहता है कि सेंसेशनल गानों को भला कौन भुला सकता है। तन्हाई, तन्हाई, मिलो है फैली। इसके बाद फिल्म फिजा के टाइटल ट्रैक ने भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हवा है, फिजा है, जमी की नहीं, तो घटा है, तो फिर क्या। इसी दौरान साल 2002 में सोनू को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गुलजार का लिखा और एआर रहमान द्वारा संगीतबद्ध साथिया फिल्म के टाइटल ट्रैक ने सोनू निगम को ये सफलता दिलाई। इसके बाद साल 2003 में सोनू के करियर की सबसे बड़ी सफलता इनके हाथ लगी। जावेद अख्तर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से सोनू ने सबको अपना दीवाना बना लिया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है।
इस गाने के लिए सोनू ने बेस्ट सिंगर के आईफा और फिल्म फेयर के साथ ही अपना पहला नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता। साल 2004 में सोनू के सबसे लोकप्रिय गानों की बात करें तो फिल्म मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक और तुमसे मिलके दिल का, फिल्म वीर जारा का दो पल और चुप चुप के शामिल रहे। दो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर। साल 2005 में आई फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से सुन जरा, 2006 में आई फिल्म क्रिश से प्यार की एक कहानी और कोई तुमसा नहीं भी खूब लोकप्रिय हुए। सुन जरा सोनिए सुन जरा। फिल्म फना से देखो ना और मेरे हाथ में की दीवानगी आज भी कायम है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें। वहीं फिल्म जोधा अकबर से इन लम्हों के दामन में और साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से मैं अगर कहूँ भी सुपरहिट रहे। इन लम्हों के दामन में बाकी तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुम। इसके बाद की बात करें तो साल 2010 में आई फिल्म दबंग से चोरी किया रे, 2012 में आई फिल्म अग्निपथ से अभी मुझमें कहीं, 2014 में आई फिल्म पीके से भगवान है कहाँ रे तू जैसे गानों ने ये साबित कर दिया कि सोनू निगम जैसा कोई और नहीं। भगवान है कहाँ रे तू। इस दौरान सोनू निगम ने कई नेशनल और इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन में कई एल्बम्स भी लॉन्च किए और अपनी जादुई आवाज से दुनिया भर में अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ है तू। गायकी के साथ साथ सोनू ने कई फिल्मों में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, हालांकि इसमें सोनू को कुछ खास सफलता नहीं मिली। वैसे तो सोनू ने एक्टिंग की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की और 1982 से 83 के बीच ये फिल्म उस्तादी उस्ताद से काम चोर और बेताब में बाल कलाकार के रूप में नजर आए। लेकिन बड़े होने के बाद सोनू ने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन में काम किया जिसमें इनके अभिनय को बचकाना करार दिया गया, हालांकि ये मल्टी स्टारर फिल्म रही। बल्ले पुमन पढ़ना चाहता हूँ। तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया। शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भांडा फोड़ दूँ। ये ले 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 ले। फिर ये साल 2003 में फिल्म काश आप हमारे होते और साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म लव इन नेपाल में नजर आए, हालांकि इनमें भी इनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया गया और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। ये आपकी दवाई है, लीजिए आप लीजिए, इसे खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसे खाने के बाद आपको शायद थोड़ी सी नींद आएगी, आप जितनी देर चाहे आराम कर सकती हैं। क्या है, मुझे जरा जल्दी है, जॉब का मामला है ना, आई हैव टू रश। फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग के साथ ही सोनू निगम 1995 से लेकर 2016 तक छोटे पर्दे पर भी एक्टिव रहे और ये सारे गामा, इंडियन आइडल, किसमें कितना है दम, वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद और एक्स फैक्टर इंडिया जैसे कई टीवी शोज में कभी होस्ट तो कभी जज के रूप में नजर आए। पहली बात तो बताऊं कि सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे आपके कि बहुत डूब के गाया, एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे लगे मुझे और वो रफी साहब का दर्द दिल। चलिए अब बात करते हैं सोनू निगम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की। तो कहा जाता है कि अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सोनू निगम का विवादों से गहरा नाता रहा है। ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2015 में सोनू निगम ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया और एक बड़े मीडिया ग्रुप का वीडियो शेयर करते हुए कहा, इसमें अलग से आवाज डाली गई है, इसे ऐसा रूप दिया गया है जिससे मामले का आरोप कुमार विश्वास पर लगे। सोनू निगम के इस आरोप के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ, हालांकि इस विवाद के दौरान सोनू के फैंस ने इनका जमकर सपोर्ट किया। इसके बाद साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया जिसको लेकर खूब बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल सोनू ने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया था। इन्होंने ट्वीट किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन अजान की वजह से न चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है, ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी, जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, एडिसन के बाद मुझे ये क्यों सुनना पड़ता है।
सोनू के इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे काफी नाराज हुए। जहां कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए इनकी सराहना की, तो वहीं कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। इनके इस ट्वीट के बाद कोलकाता के एक मौलवी सैयद कादरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुड़वाकर जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे को करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम को घर पर बुलाकर अपना सिर खुद ही मुड़वा लिया। इस पर मौलवी ने कहा कि उनकी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई है, हम 10 लाख रुपए का इनाम तभी देंगे जब सोनू पूरे देश में जूतों की माला पहनकर घूमेंगे। हालांकि इस विवाद में घिरने के बाद सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने सामाजिक मुद्दा उठाया था न कि धार्मिक, क्योंकि सोनू एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। ये अजान के बारे में नहीं था बल्कि तेज आवाज के बारे में था। यही नहीं, सोनू निगम ने यह भी कहा कि उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे का जिक्र भी किया था लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक और कंट्रोवर्सी में सोनू निगम एक वायरल वीडियो क्लिप में नवरात्रि में मीट बैन होने की बात पर अपनी राय देते नजर आए। जैसे मैंने आपको खुद ही कहा कि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं या कोई किसी भी धर्म का कोई स्पेशल चल रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। वीडियो में सोनू निगम कहते दिख रहे थे कि वो कोई भक्त नहीं है जो कहें कि जय श्री राम कर लो। यही नहीं, सोनू निगम ने ये तक कह दिया कि नवरात्रि में मीट बैन क्यों होगा, एक आदमी मटन बेच रहा है ये उसका काम है, ऐसे में आप उसकी शॉप कैसे बंद करा सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए इनका विरोध करते नजर आए। कोई इन्हें नवरात्रि के दौरान मीट बेचने की बात का समर्थन करने पर इनका विरोध करते नजर आया, तो कोई इनके जय श्री राम वाले स्टेटमेंट पर हैरान हो गया। हालांकि वहीं कुछ लोगों ने इनका बचाव भी किया। खैर, अजान, नवरात्रि और जय श्री राम के अलावा सोनू निगम राधे माँ के पहनावे पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। काली माँ को तो राधे माँ से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है। रोचक ये है कि ये देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर केस चलाना चाहता है। अपने एक बयान में सोनू निगम ने राधे माँ की तुलना काली माँ से कर दी। बस फिर क्या था, सोनू के इस स्टेटमेंट को लेकर भी खूब बवाल हुआ। इन सारे विवादित बयानों के अलावा सोनू निगम ने एक बार ये कह दिया कि अगर वो पाकिस्तानी सिंगर होते तो बेहतर होता। सोनू का कहना था कि भारतीय सिंगर से गाने के लिए टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर यहां आकर गाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उनसे पैसे मांगे जाते हैं। इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर सोनू को बायकॉट करने की मांग उठने लगी। खैर, जिन सोनू निगम को कभी अजान की आवाज से दिक्कत होती थी, वो एक बार इंटरव्यू के दौरान बाबरी मस्जिद का गिरना गलत बता चुके हैं। सोनू का कहना था कि बाबर ने मंदिर तोड़कर गलती की, पर अब सालों बाद उस मस्जिद को तोड़ना भी गलत है। अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि संगीत उद्योग पर भी दो प्रमुख कंपनियों का एकाधिकार है और सोनू को भी इसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सोनू ने इन म्यूजिक कंपनीज से म्यूजिक इंडस्ट्री में नए लोगों के प्रति निष्पक्ष और दयालु होने का आग्रह भी किया। हालांकि इन सब के बीच टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला के एक ट्वीट ने मामले को और बढ़ा दिया। दिव्या ने सोनू निगम को एहसान फरामोश बताया और कहा कि सोनू झूठी कहानी बेचकर लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। दिव्या की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद सोनू निगम ने फिर से एक वीडियो शेयर कर कहा कि लातों के माफिया बातों से नहीं मानते। बताया जाता है कि ट्वीट के जरिए वाद विवाद और एक दूसरे को धमकाने का ये सिलसिला लंबा चलता रहा, जिसके बाद सोनू निगम और अबू सलेम के रिश्तों की जांच की बात भी कही जाने लगी। सोनू से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो फरवरी 2022 में इन पर रॉकी और रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने के आरोप भी लगे, जिन्हें कदाचार और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की सिफारिशों के आधार पर ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। बताया गया कि जब यूएसए के एक शो प्रमोटर राजेंद्र सिंह पहल ने एक म्यूजिक इवेंट में प्रदर्शन के लिए सोनू से संपर्क किया तो इन्होंने उन्हें रेहान सिद्दीकी से संपर्क करने की सलाह दे दी। इस पूरे वाकये के बाद सोनू की खूब किरकिरी हुई और लोगों ने इनसे सोशल मीडिया के जरिए खूब सवाल पूछे और ट्रोल भी किया। अगले विवाद की बात करें तो फरवरी 2023 में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान सोनू निगम और इनकी टीम के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई होने की रिपोर्ट सामने आई। बताया
गया कि इस इवेंट के दौरान सोनू के गुरु गुलाम मुस्तफा खान के बेटे और उनके करीबी रब्बानी खान और उनके बॉडीगार्ड को भी चोटें आई। बाद में सोनू ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और इस मामले में बात करते हुए मीडिया से कहा कि एक शख्स ने इन्हें कॉन्सर्ट के दौरान पकड़ लिया, जिसका नाम स्वप्निल प्रकाश फटेरपेकर है। बचाने के लिए जब इनके बॉडीगार्ड सामने आए तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया, जिन सबके साथ सोनू भी सीढ़ियों से गिर गए। वहीं कुछ चश्मदीदों ने कहा कि सब कुछ ऐसा हुआ जैसे पहले से प्लान्ड हो। किसी ने सोनू को धक्का दिया तो किसी ने मुक्के बरसाए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारों की माने तो साल 2015 तक सोनू का करियर अच्छा चला, लेकिन इसके बाद सोनू किसी न किसी वजह से लगातार छोटी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार होने लगे। कभी लोगों की धार्मिक मान्यताओं को आहत किया, कभी राजनीतिक मुद्दों में फंसे, तो कभी इनके बयान को देश विरोधी करार दिया गया। और शायद यही वजह रही कि अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे दूरी बना ली। खैर, फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में 30 साल तक डटे रहना और पद्मश्री समेत 100 से अधिक अवार्ड्स जीतना सबके बस की बात नहीं है, और शायद यही वजह है कि इतने सारे विवादों के बावजूद सोनू निगम का इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम और इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही। सोनू की आवाज के आज भी करोड़ों दीवाने हैं और इनके नए गानों का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से सोनू निगम को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हर पल यहां जी भर जियो जो है समा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी सोनू निगम से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।